हाँ जी हाँ, दिल्ली केशवपुर में बाबा एक मंदिर है, दिल्ली में। हाँ जी हाँ, तो उसमें ना 151 किलो पारे का शिवलिंग है। 151 किलो पारे का शिवलिंग है। पारे का शिवलिंग, पारा तो ढलक जाता है, शिवलिंग कैसे बन गया? पता नहीं बाबा, उसमें लिखा हुआ है 151 किलो पारे का शिवलिंग, और भी सबने पूर्ण दिखाएगा, सबसे बड़ा अभी सब नहीं लिखा हुआ है। वो तो वहाँ के जो ओ, 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 जो पूजा करने वाले बड़े आचार्य हैं, उनसे पहले पूछो हिस्ट्री सारी। बाबा उनसे पूछते ही नहीं, धर्म गुरुओं से हमारे पहले उनकी पूरी हिस्ट्री का तो पता चले, पारे का है भी कि नहीं है। पारे का लिखा हुआ बाबा, लिखा हुआ है, लिखा हुआ किसने, मनुष्य ने लिखा है या भगवान ने लिखा? तो फिर भगवान मनुष्य तो झूठी पत्ती कैसी कैसी बातें बता देते हैं। और है विष्णु शंकर है, महेश के दो नाम क्यों है? महेश के, शंकर के दो नाम है, फिर दो ही नाम है, शंकर और महेश बोलते हैं ना? सिर्फ दो ही नाम बोलते हैं, ब्रह्मा विष्णु के साथ है ना? हाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश बोलते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर बोलते हैं, ब्रह्मा विष्णु महादेव बोलते हैं। अरे नाम तो उनके ढेर के ढेर हैं। शिव बाबा का, शिव का नाम सिर्फ एक ही है, वो उनकी आत्मा का नाम है। इतनी आत्माएं दुनिया में है, लेकिन आत्मा का नाम किसी का नहीं है। और शिव, शिव की आत्मा का नाम है, क्यों है? हाँ, क्योंकि वो सदैव आत्मा ही बन करके रहता है, वो देह में धारणा करता ही नहीं है, देह में उसकी बुद्धि धरी ही नहीं रहती है, तो उसकी आत्मा का ही नाम शिव है। और जितने नाम हैं वो सब शरीर के ऊपर पड़ते हैं, क्योंकि और आत्माएं शरीर धारण करती है, शिव ही एक ऐसी आत्मा है जिसका नाम एक ही पक्का है, बिंदी का नाम है। लेकिन जब वो शरीर धारण करते हैं तो नाम बदलते जाते हैं। जिस शरीर में प्रवेश करके उन्होंने शक्तियों को, देवियों को भड़का दिया और उन्होंने विनाश कर दिया। तो कहा जाता है शंकर द्वारा विनाश। बाकी शंकर विनाश करते हैं क्या प्रैक्टिकल में? शंकर तो विनाश नहीं करते, विनाश कारिणी असुर संहार कारिणी कौन गायी हुई है? शक्तियां गायी हुई है। ऐसे ही महेश महा ईश, दो शब्दों को मिलाकर के बनता है महेश। कैसा ईश? ईश माने शासन करने वाला। कैसा शासन करने वाला ईश? महा बड़ा शासन करने वाला। तो शासन शरीर के द्वारा किया जाता है या जेतु बिंदु आत्मा शासन करती है? अकेले शरीर के साथ शासन करती है। शिव शासन करता है या महेश शासन करता है? राज्य कौन करता है? शासन माने राज्य, महेश राज्य करता है। वो राजा ही प्राप्त करने वालों में बड़ा राजा है, इसलिए नाम दे दिया महेश। ऐसे ही महादेव देवताओं में बड़ा देवता है। क्या क्या देवताओं में बड़ा देवता नारायण नहीं है? नारायण बड़ा देवता है या महादेव बड़ा देवता है?
नहीं, जो नारायण है वही महादेव है, इसलिए मुरली में कहा है नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर, नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण। इसका मतलब दोनों एक ही हैं या अलग अलग हैं? एक ही है। और बांधा हुआ नहीं, कोई आत्मा ऐसी है जो ड्रामा के चक्कर में बांधी हुई नहीं है? नहीं, क्यों भी कहता नहीं, ये भी तो कहते हैं ना करण हार तब है जबकि वो कोई शरीर में प्रवेश करता है, तभी करता है। और करावन हार भी कब है? जबकि कोई शरीर में प्रवेश करता है। तो कौन सा शरीरधारी है जिसके द्वारा वो कराता है, खुद करे या न करे, वो शरीरधारी कौन सा है? राम वाली आत्मा जिसे शंकर कहा जाता है उसके द्वारा करावनहार का पार्ट बजाता है। क्या? जो सेवा करनी है नई दुनिया की स्थापना की, वो सेवा करा के छोड़ेगा, खुद करे या न करे। ये कैसे? प्योरिटी से होती है स्थापना और इम्प्योरिटी से होता है विनाश। तो स्थापना कराता है या खुद करता है? खुद नहीं करता, कराता है। खुद तो विषपाई दिखाया जाता है। शास्त्रों में लिखा हुआ है, चित्रों में दिखाते हैं कि शंकर को विष पीते पीते गला काला हो गया। बाबा कहते हैं अभी ये बात समझाते समझाते गला ही सूखा जाता है। तो नाम काम के आधार पर पड़ते हैं। बाप सेवा करणहार भी है। किसके द्वारा करणहार है? है ब्रह्मा द्वारा करणहार। क्या स्वर्ग स्थापन हुआ ब्रह्मा द्वारा? फिर कैसे है? तो करण हार कैसे हुआ है? स्वर्ग तो नहीं स्थापन हुआ, तो स्वर्ग स्थापना कैसे की? सहन करने से भी स्वर्ग कहाँ बना और ही नरक बन गया। जो नरक बन गया उसको छुपाने के लिए ग्लोबल हॉस्पिटल बनाया हुआ है। पाप होते जाए और निकलवाते जाओ, गवर्नमेंट भी छूट देती है। तो करण हार कहाँ हुआ? नरक का करण हार हुआ या स्वर्ग का करण हार हुआ? तो बाबा ने झूठ बोला कि मैं करण हार भी हूँ किसी के द्वारा? अरे ब्रह्मा आज की मुरली में ही आया, ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग स्थापन करते हैं। प्रजापिता तो पुरुष तन है, पुरुष जो है वो स्वर्ग स्थापन कर ही नहीं सकते। पुरुषों को क्या टाइटल दे दिया आप न बताओ? जो खुद ही दुर्योधन दुशासन है वो स्वर्ग कैसे स्थापन करेंगे? तो स्वर्ग स्थापना की जिम्मेवारी का ताज किसके ऊपर रखा है? माताओं कन्याओं के ऊपर रखा है। इससे साबित होता है कि वही ब्रह्मा जिन्होंने 69 में शरीर छोड़ दिया वो कोई माता में प्रवेश करके स्वर्ग की स्थापना का काम करते हैं। और लेकिन बाबा तीन भाई ऐसे होते हैं जैसे माताओं में भी इतनी भावना होती है, उनके साथ रह के देखो। अरे
माने बाबा झूठा है और आपका अनुभव सच्चा है। बाबा साथ रहने से पता चलता है ना, साथ रहने से तो रहे साथ में, रह के देखो। और तुम्हें चिंतन से भूख की चलती है, मन जीत बनो, मन जीत बनो, इसमें अंतर बताओ है, अंतर बताओ। मनन चिंतन से क्या होता है, बुद्धि चलती है। बुद्धि का चलना ही अच्छा है या बुद्धि का शुद्ध होना अच्छा है? मनन चिंतन तो आज के वैज्ञानिक जो एटम बम्ब बनाने वाले हैं वो भी करते हैं, उनकी मन बुद्धि चलती है कि नहीं चलती है? तो ये मन बुद्धि का चलना मात्र ही अच्छा है या मन बुद्धि का शुद्ध होना अच्छा है, वो कैसे होगी? जो भगवान पारसनाथ है, पारसनाथ बन करके भगवान आता है, उस पारसनाथ के मुख से निकला हुआ ज्ञान उसका मनन चिंतन मंथन करेंगे तो बुद्धि शुद्ध बनेगी। ज्ञान जल है, वो ज्ञान जल शुद्ध ज्ञान जल है या कोई नदी का जल है? नदी में तो मिट्टी भी मिल जाती है, मिलती है या नहीं मिलती है? मिट्टी मिलती है, लेकिन वो ऐसा शुद्ध ज्ञान जल है जिसमें मिट्टी का नाम निशान भी नहीं है। वो कौन सा गायन है संसार में? मानसरोवर। ये मानसरोवर जो तालाब है, सरोवर है, वो सबसे ऊंची स्टेज में दिखाया गया है, जहां से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। ऐसी ऊंची पहाड़ की स्टेज पर है जहां पानी नीचे तक दिखाई पड़ता है, पारदर्शी दिखाई पड़ता है। वो मानसरोवर किसका यादगार है? सरोवर है, नदी नहीं है, छोटा मोटा पोखरा भी नहीं है। मानसरोवर के किनारे कौन रहते हैं? हंस वास करते हैं। वो हंस कौन है? जो रतन ही चुंगते हैं, पत्थरों को नहीं चुंगते, उनमें विवेक होता है। क्या पानी को अलग कर देते और दूध को पी लेते हैं? हंस है जो पक्षी है, उसके सामने आधा पानी आधा दूध रख दो तो क्या करेगा? दूध दूध पी जाएगा और पानी छोड़ देगा। तो रुद्रमाला के मणके क्या करते हैं? दुनिया में बहुत ढेर सारा ज्ञान है, उनकी बुद्धि में शास्त्रों का भी ज्ञान भरा हुआ है, गुरुओं का भी ज्ञान भरा हुआ है, लेकिन वो ग्रहण क्या करते हैं? बाबा की ज्ञान वाणी को ग्रहण करते हैं। तो निरक्षीर विवेकी हैं। ऐसे निरक्षीर विवेकियों में कोई बड़ा तालाब भी है, ऊंची स्टेज में रहने वाला है, जैसे तीन पुरियों में ब्रह्मा को भी दिखाते हैं, नीचे वाली पुरी में विष्णु को भी दिखाते हैं, बीच वाली पुरी में और शंकर को सबसे ऊंची पुरी में दिखाते हैं। इसका मतलब क्या है? ये मनन चिंतन मंथन की बहुत ऊंची स्टेज है जिसकी यादगार मानसरोवर झील दिखाई गई है, उसका नाम दिया है मानसरोवर। मान मर्तबा बहुत ज्यादा हो जाता है, उससे ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, जो सदैव ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर ही बहती है। क्या नीची स्टेज में अंत में आती है, जब गंगा से मिलना होता है, सागर में मिलना होता है,
बाकी ऊंची स्टेज में रहती है। विकारी नीची स्टेज में नहीं आती है। अभी संगम युग में नीची स्टेज में नहीं आवेगी तो 63 जन्मों में नीची स्टेज में विविचारी स्टेज में आवेगी आवेगी नहीं आवेगी। तो ऐसा वो मानसरोवर है, और बाबा भक्ति मार्ग में जाते हैं सब तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। हाँ? क्या माने गंगा जब सागर से मिलती है तो गंगा सागर का मेला होता है। तो गंगाएं अंत में निकलती हैं या आदि में निकलती हैं या मध्य में निकलती हैं? हैं? अंत में गंगाएं निकलेंगी। गंगा नदी जो है उसका संग सन्यासी ज्यादा करते हैं या गृहस्थी ज्यादा करते हैं? सन्यासी गंगा के किनारे चौकड़ी मार के बैठते हैं जैसे मेंढक बैठता है। तो ज्यादा संग जीवन में गंगा का किसके साथ होता है? सन्यासियों के साथ होता है। ब्राह्मणों की दुनिया में सन्यासी कौन है? बेसिक वाले ही सब कुछ है और एडवांस में कोई नहीं है। एडवांस में भी है जो आदि में बाप की गृहस्थी में थे। एडवांस जब शुरू हुआ तो 76 में बाप के साथ भाई भाई के रूप में थे, जो रामायण में गाया हुआ है कि चार भाइयों ने साथ साथ जन्म लिया, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। तो गृहस्थी थे या उस समय सन्यासी थे? हैं? गृहस्थी थे। और गंगा भी आदि में भी निकली थी। वो एक ही ऐसी कन्या है जो समझदार होने के बाद बाप से डायरेक्ट पूरा ज्ञान लेती है सत्वप्रधान स्टेज में। आदि में सत्वप्रधानता होती है कि बाद में? आदि में सत्वप्रधानता की स्टेज में सारा ज्ञान खींच लिया। वही गंगा नदी जब सन्यासी सन्यासी बने उस समय गंगा नदी ने भी बाप को छोड़ करके सन्यास धारण कर लिया। वही गंगा नदी लास्ट में जाकर के जब ब्रह्मपुत्र नदी से मिलेगी तब गंगा सागर का मेला होता है। जिस गंगा नदी की सवारी किसके ऊपर दिखाई गई है? मगरमच्छ के। बड़ी मछली है। मछली का कोई गायन है भारतवर्ष में? मत्स्यावतार, वो पहला अवतार है। जिसका मान मर्तबा बढ़ता ही जाता है, बढ़ते 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 इतना बड़ी हो जाती है कि दिखाया है कि राजा भी उसे संभाल नहीं पाता। आखिरी उसे समंदर में छोड़ दिया जाता है। उसके ऊपर कौन सवारी करती है? गंगा नदी सवारी करती है। बाद में वो गंगा ब्रह्मपुत्र से मिलकर सागर में मिलती है। वो एक ही बार संगम युग में ऐसा होता है अंत में। इसलिए बोला जब सन्यासी निकलेंगे तो तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। वो गंगा और गंगा के साथ जो भी सन्यासी है
वो एडवांस ज्ञान को पूरा ग्रहण करेंगे। और जितने भी सर्प हैं दुनिया के, विषय वासना का विष पीने वाले, विचार का विष पीने वाले, उन सर्पों को खंडन कर देंगे। जैसे भक्ति मार्ग में शंकराचार्य ने इस्लामियों का खंडन किया था, मुसलमानों का खंडन किया था, क्रिश्चियंस का खंडन किया था, और सारे भारत में एकता की लहर फैला दी। ऐसे ही ज्ञान मार्ग में भी अंत में ये सन्यासी निकलेंगे। जब गंगा निकलेगी उनकी हेड, तो वो सन्यासी तुम बच्चों की विजय कराई देंगे। बाबा दिलवाड़ा माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर है, उसका गायन है दिगंबर मंदिर का गायन नहीं, उसको तो सभी लोग देखने जाते हैं, दिलवाड़ा को सब देखने जाते। दिलवाड़ा मंदिर ऊपर बना है, जिसे दिलवाड़ा नाम दिया है, या काली मूर्तियों का मंदिर ऊपर बना है? नहीं, दिलवाड़ा मंदिर नीचे है, वो सफेद मूर्तियों का है, और उसके बाजू में ही एक पहाड़ पर काली मूर्तियों का मंदिर है, दिगंबर मंदिर, वो सब नंगे दिखाए हैं, वो रुद्रमाला वालों की यादगार है। ये दिलवाड़ा मंदिर चंद्रवंशियों की यादगार है, विजयमाला जहाँ से बनती है। तो दो प्रकार के ग्रुप हैं, जैनियों में भी दो प्रकार के ग्रुप बने हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। ब्रह्मा कुमार कुमारियों में भी दो ग्रुप बन गए, श्वेतांबर कौन हुए? सफेद कपड़े वाले बीके, और काले कपड़े वाले, काले कपड़े उनको नहीं दिखाए हैं, उनको नंगा दिखाया है, काला पत्थर के बने हुए हैं, माने तमो प्रधान है। ज्यादा तमो प्रधान बनते हैं या कम तमो प्रधान बनते हैं? जो ज्यादा तमो प्रधान बनते हैं वो कभी ज्यादा सतो प्रधान भी बने थे या नहीं बने थे? बने थे, इसलिए कृष्ण की राशि क्राइस्ट से मिलाई जाती है। क्राइस्ट के क्रिश्चियंस और क्राइस्ट न ज्यादा तमो प्रधान बनते न ज्यादा सतो प्रधान बनते। सीढ़ी के चित्र में भी देखो, कृष्ण की आत्मा है खड़ी हुई दिखाई गई अंतिम जन्म में, और राम वाली आत्मा पड़ी हुई दिखाई गई। पड़ी हुई माने विकारों में अंत में गिर गई, इसलिए कहते हैं राम राम फेल हो गया। और जिसका शरीर है वो तो निराकार नहीं हो सकता। अरे कभी पंक्ति में जो बता रही हूँ इसके बारे में, कबीर निराकार नहीं बने, कबीर के जो कमल के फूल के पैदल लेते दिखाई, कबीर निराकार नहीं बने, लेकिन ऐसे नहीं कि कबीर और कबीर के पंथ ही निराकार नहीं बनते हैं, तो कोई भी निराकार नहीं बनता है। अगर नहीं बनता है तो शिव निराकार के साथ शंकर का नाम क्यों जोड़ दिया गया? जरूर शिव ने संग के रंग से प्रवेश करके शंकर की निराकारी स्टेज बनाई है, बाकी कबीर की निराकारी स्टेज नहीं बनती है। और लक्ष्मी नारायण के अगले जन्म का नाम क्या है? अगले अगले जन्म का नाम जो लक्ष्मी नारायण है वो दो हैं, बल्कि नौ हैं। कौन से लक्ष्मी नारायण की बात कर रहे? पहले वाले। पहले वाले कौन? सतयुग के? हाँ। जो सतयुग का पहला नारायण है वो तो कृष्ण ही है, ब्रह्मा बाबा की सोल है।
वो तो सतयुग के अंतिम जन्म में बाप बनेगी। किसका किसका बाप बनेगी? है? जो सीता बनेगी इस समय, वही आत्मा वहां राम बनती है, उसका बाप बनती है। और सीताराम साथ साथ जन्म लेंगे या अलग अलग परिवार में जन्म लेंगे? साथ साथ जन्म होगा। तो जो सीता का बाप वो ही राम का बाप। और जो प्रवेश करके करता है। आपको पता नहीं प्रजापिता में प्रवेश किया? प्रवेश करके ब्रह्मा नाम पढ़ा दादा लेखराज का? पहले से त्रिमूर्ति तीन बोला जाता है। हाँ, पहले त्रिमूर्ति से बोला जाता तो तीन मूर्तियां थी ना, यज्ञ के आदि में तीन मूर्तियां नहीं थी? थी तो नाम भी पढ़ा त्रिमूर्ति से। और पंचमी से क्यों लगा जाता है? बसंत के पीछे पंचमी से क्यों लगा जाता है? बसंत बसंत पंचमी। हाँ, बसंत ऋतु आने वाले पांच पांडव हैं, इसलिए बसंत पंचमी कहा जाता है। बाबा को बुलाया है बाबा ने, बाबा की आत्मा को इनकी आत्मा की पट्टी है, वंडरफुल युगल है। हाँ, युगल नहीं है, जिसमें प्रवेश करते हैं वो बंदी नहीं होती है। वंडरफुल युगल है। और पापा, जो ब्राह्मण परिवार है उनका शूटिंग झूठ खंड में है, उनका नाम बाला होता है, झूठ बोलेंगे तो झूठ खंड में जाएंगे, सच बोलेंगे तो सच खंड में जाएंगे। और धुआं पाप का भी पाप है। धुआं पाप का भी पाप है। धुआं 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 पाप का भी पाप है। धुआं 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 तो क्यों इतने लगा सकते हो? हाँ, पाप का भी पाप बताया। हाँ, तो मुरली में बताया क्या? मुरली में नहीं बताया तो वो झूठ बोलते हैं। है जुआ? कौन सा जुआ? जो दुनिया वाले खेलते हैं वो लौकिक जुआ पाप का बाप है, या जो भगवान खिलवाता है जुआ, अपना तन मन धन समय संपर्क स्त्री बाल बच्चे सब दांव में लगाओ, तो ये बेहद का जुआ पाप का बाप है, या हद का जुआ पाप का बाप है? जो मनुष्य सिखाते हैं जुआ वो पाप का बाप है, भगवान जो जुआ सिखाते हैं वो पाप का बाप नहीं हो सकता। और हाँ, हमेशा दानसन में आता हूँ लेकिन गरीब में नहीं आता। हाँ, गरीब में नहीं आता। दानसन में तो आता हूँ, हाँ, गरीब में नहीं आता। गरीब निवास का एक है, गरीबों को ही विश्व की बात सही देता है। गरीब में नहीं आता, गरीब मैं ही आता हूँ। हाँ, गरीब निवास तो तब कहा जाए जब गरीब को आके विश्व का बादशाह बनाए, साहूकार को विश्व का बादशाह नहीं बनाता हूँ। और हाँ, जो नीचे वाला है वही तो सूक्ष्म पतनवासी बन गया। जो नीचे ब्रह्मा था सन 68 में वही तो सूक्ष्म पतनवासी बना, कोई दूसरा बना क्या? एक ही है दोनों, प्रजापिता अलग है। हा? बाबा,
अकाल मौत और समय पर मौत में अकाल मौत और फिर समय पर मौत। हाँ हाँ, जब टाइम पूरा हो, जब बूढ़ा हो, आयु पूरी हो जाए, फिर शरीर छोड़े और स्वेच्छा से शरीर छोड़े, वो अच्छी मौत है। वो देवताओं की मौत होती है, कही जाती है। और जो टाइम पूरा नहीं हुआ, बूढ़ा हुआ नहीं, आयु पूरी हुई नहीं और बीच में ही शरीर छोड़ दिया, नौजवान होके शरीर छोड़ दिया, बचपन में शरीर छोड़ दिया, पेट में शरीर छोड़ दिया, वो अकाली मौत। दुनिया की कोई ऐसी बात नहीं जो तेरे पर लागू न होती है। युद्ध होता है, युद्ध में योद्धाओं की मौत होती है, तो जो योद्धाओं के दिल में ये बात होती है कि हम अपने देश की रक्षा के लिए युद्ध कर रहे हैं, अपने राजा की वफादारी के लिए युद्ध कर रहे हैं, उनके अकाले मौत होगी। उनके अंदर शुद्ध भाव है या गंदा भाव है, तो वो अकाले मौत में भूत प्रेत बनेंगे या स्वर्गवासी बनेंगे। इसलिए भक्ति मार्ग में गायन है कि युद्ध में जो योद्धा लड़ाई लड़ते लड़ते मरते हैं, वो कहाँ जाते हैं? स्वर्ग में जाते हैं। वो वहां की बात नहीं है, है कहाँ की बात? संगम युग की बात है। अंत मते सोगत, भावना की बात है। भाव प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म तो सब करते हैं, लेकिन किस भाव से क्या कर्म किया जाता है वो देखना होता है। मनुष्य भी विकारी बनते हैं। मनुष्य विष पीते हैं कि नहीं पीते हैं? पीते हैं। और शंकर जी ने भी विष पिया। क्या भाव एक ही है या अलग अलग भाव है? अलग अलग भाव है, इसलिए प्राप्ति भी अलग अलग हो जाती है। हाँ, विकर्म विनाश होते हैं। हाँ, साथ में याद बुद्धि से साथ में रहेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। बहुत से ऐसे होते हैं सरेंडर हो गए, बाबा के कंधे पे चढ़े हुए हैं, बाबा के घर में खाते हैं, सोते हैं, पीते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन बुद्धि कहाँ धरी रहती है? हैं? बाहर की दुनिया में धरी रहती है, तो विकर्म विनाश होंगे। बुद्धि का साथ बताया, इसलिए ज्यादा जोर कह देते हैं याद पर। याद बुद्धि से किया जाता है या शरीर से किया जाता है? शरीर की कर्मेंद्रियों से याद किया जाता है, बुद्धि से याद किया जाता है। कर्मेंद्रियों से संग तो होता है, कर्मेंद्रियों से जो संग होता है वो याद भी आता है। जैसे आंख से किसी को देखा, दिल लगा के देख लिया, चलो एक सेकंड ही सही, तो याद आता है कि नहीं आता है? याद आता है। तो वो याद आना मुख्य बात है। तो बात सन्मुख सुनेंगे, तो हम जब सन्मुख सुन रहे हैं तो क्या हम बेसिकली बताया, बेसिकली जब तुम्हारी आत्मा की सुई की कट उतर जाएगी तो तुम डायरेक्ट बाप से सुनेंगे। क्या सन 76 के बाद जिनकी जिनकी बेसिकली आत्मा की सुई की कट उतरती गई, वो कहाँ आ गए? एडवांस में आ गए, डायरेक्ट बाप से सुनते हैं। जिनकी कट नहीं उतरी है
वो कहाँ पड़े हुए हैं? वो अभी भी बेशक में पड़े हुए हैं। भाई लोग मतलब स्नान के बाद डेली करते हैं, हैं? स्नान करते हैं जब मतलब संपूर्ण स्नान करते हैं और माता है मतलब नहाती हैं जब गर्मी होती है, उनके बाल नहीं हुए उलझ जाएंगे? बाल माताओं के लंबे होते हैं, बाकी क्रिश्चियन तो ऐसा नहीं करते क्या बाबा? माताओं को भी रोज दो दिन आना चाहिए हैं? बाल उलझ जाएंगे, उसमें टाइम लगेगा, इसलिए सप्ताह में एक बार दो बार धो लो बाबा। जब हम किसी को राम राम करते हैं बड़ों को तो फिर दो बार क्यों कहते हैं बाबा? आदि में राम होता है और जब वर्षा देता है तो भी राम प्रत्यक्ष होता है, इसलिए राम राम दो बार कहते हैं, एक बार नहीं कहते हैं। परमात्मा ब्रह्मा द्वारा गौ की स्थापना करते हैं तो सतयुग की स्थापना कौन करता है? सतयुग की स्थापना जो सत्य बोलता है सो सतयुग की स्थापना करता है। ब्रह्मा बाबा ने जो भी बोला वो सत्य बोला या असत्य बोला तो वो सतयुग की स्थापना करने वाला हुआ। ब्रह्मा है ना अम्मा, और मुरली माज क्या आया है? ब्रह्मा असल में कौन है? नहीं, ये ब्रह्मा ही तुम्हारी जगदम्बा है, माना दादा लेखराज वाली आत्मा ही सहन शक्ति का आधार है। सहन शक्ति माता में होती है, वो सहन शक्ति धारण करने वाली आत्मा ब्रह्मा की है, वो ही तुम्हारी जगदम्बा है। बाकी जो स्त्री चोला है वो तो डब्बा है। उसके अंदर हनुमान का चित्र दिखाया है, सारा प्रैक्टिकल काम करने वाली सूक्ष्म आत्माएं हैं या तमो प्रधान आत्माएं हैं? हम तमो प्रधान सेवा करते हैं या बाप दादा सेवा करते हैं? है? बाप दादा सेवा करते हैं, उनमें भी बाप तो निराकार है, फिर प्रैक्टिकल में कार्य कौन करता है? बहुतों ने अपने जीवन में ये देखा होगा एडवांस में आने के बाद कि मरते मरते अचानक बच जाते हैं, पांचवी मार से गिरते हैं और बच जाते हैं, कौन बचाता है? है? और सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा ही बचाती है। सूक्ष्म शरीरधारियों में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? ब्रह्मा की सोच। उनको कहा जाता है भक्ति मार्ग में ब्रह्म राक्षस, उससे बड़ा सूक्ष्म शरीरधारी कोई होता नहीं। दूसरे धर्म वाले उनका नाम दिया है जबराइल, जो आठ फरिश्ते खुदा के तख्त को उठाने वाले दिखाए गए हैं कुरान में कयामत के समय में, उन आठ फरिश्तों में सबसे बड़ा फरिश्ते का नाम जबराइल, माने जबरदस्त है, वो ही भूतनाथ है। हाँ। हाँ। और तो नहीं करना है, बिना परमिशन के वहाँ एंट्री कैसे हो गई? लेटर तो ये दिया था। किसने लिख के भेज दिया? जवाब नहीं मिला तो क्या हुआ? तुम्हें परमिशन तो मिल गई? परमिशन मांग तो मिल गया तो आ, तो परमिशन तो मिल गई ना आपको? हाँ, फिर क्या बात है?
और उस शरीर की कला कम होती है कि बढ़ती है, हैं? कलाएं कम होने की निशानी क्या है? कला कम होने की निशानी है बुद्धि में से ज्ञान उड़ जाएगा, और कलाएं जो हैं देवताओं में से होती हैं सबसे जास्ती, क्योंकि ज्ञान प्रैक्टिकल में उनके अंदर समाया हुआ है। गद्दों का अर्थ है कमजोरी, वो कमजोरी ब्रह्मा बाबा जब तक जीवित रहे वो कमजोरी प्रत्यक्ष हुई या उनके शरीर छोड़ने के बाद प्रत्यक्ष हुई? शरीर छोड़ने के बाद वो कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं उन गड्ढों का पता चलता है। अधि अधि माने अंदर, आत्मिक माने आत्मा, आत्मा के अंदर की बात बताए जो ज्ञान वो आध्यात्मिक ज्ञान, और आध्यात्मिक ज्ञान जो आत्मा के अंदर की बात बताता है, आत्मा के अंदर की बात भगवान बताएगा या कोई मनुष्य बताएगा? है हाँ, कोई मनुष्य आध्यात्मिक ज्ञान नहीं दे सकता सिवाय परमपिता परमात्मा के, आत्मा के अंदर की बात कोई जानता ही नहीं। बाबा जैसे बाबा ने बताया कि पांच पांडव हैं और राम के चार भाई, तीन भाई दिखाए गए हैं, रामायण महाभारत ये सभी इसको सत्यनारायण जी जितने भी मतलब कथाएं हैं, सभी कथाएं एक ही है, सभी कथाएं एक ही है, संगम युग की और अपने अपने देव देवता को मान्यता कथा अलग अलग बना दी। तो जैसे पांच तो वो भाई हो गए, जिससे मर्द और वही राम लक्ष्मण शत्रुघ्न हो गए। ऐसा तो नहीं है, तो उनको बाबा साबित कैसे करेंगे? वो है ही नहीं, आपने ये तो अंदाजा लगा लिया। दो पांच पांडव हैं, वो पांच भारतीय धर्म को इंट्रोड्यूस करने वाली आत्माएं हैं। पहला है सूर्यवंश सतयुग का, दूसरा है त्रेता का चंद्रवंश, तीसरा है बौद्ध भारतीय धर्म है, भारत में स्थापन हुआ, चौथा है सन्यास, और पांचवा है सिख। ये सिख ही सहदेव है, नाम से ही जाहिर होता है किसका सहयोग करता है, देवताओं का सहयोग करता है, कोई भी क्रिश्चियन मुसलमान बौद्ध आदि का सहयोग नहीं करता है। तो ये जो पांच पांडव हैं वो पांच भारतीय धर्मों की पक्षपात लेने वाली विशेष आत्माएं हैं। बाकी राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये तो चार मुख्य धर्मों की चार बीज रूप आत्माएं हैं। राम वाली आत्मा देवी देवता सनातन धर्म की बीज है, भरत वाली आत्मा इस्लामियों की बीज है, लक्ष्मण वाली आत्मा बौद्धियों की बीज है, और शत्रुघ्न वाली आत्मा क्रिश्चियंस की बीज है। बाबा जो कुंती ने एक बात छुपाई थी करण के बारे में पांडव से, तो फिर बाद में जैसे पता चला फिर युधिष्ठिर ने शराब कैसे दे दिया अपने माँ को, जो नारी जात की कोई बात नहीं पति में माँ को भी दे सकते हैं। माँ ने गलत काम किया ना, अगर बता देती तो इतना भारी विनाश नहीं होता। पेट में जो बात पचा के रखी थी अगर वो बात माता क्लियर कर देती तो इतना बड़ा विनाश होता? युधिष्ठिर लड़ाई लड़ता? युधिष्ठिर अपने बड़े भाई से लड़ाई लड़ता?
युधिष्ठिर भी तो ये चाहता था कि मैं बड़ा भाई हूँ, बड़ा भाई बाप समान होता है, तो छोटे भाई मेरी बात माने। तो जो बात अपने लिए चाहता था वो बात कर्ण के लिए लागू नहीं करता, करता तो फिर इतना भारी विनाश होता? तो कौन बन गया निमित्त? कुंती निमित्त बन गई। यहाँ है ना कोई कुंती? कौन है कोई कुंती है कि नहीं जो कौरव परिवार में पल रही है? पता ही नहीं है, है महारानी है लेकिन कौरव परिवार में पल रही है, पांडवों की अम्मा है, छोटी माँ। हाँ जी बाबा, का मतलब है समूह, कम से कम दो इकट्ठे हो जाएं तो भी समूह कहा जाता है। तो दो नंदीगण हैं, यही रामकृष्ण। यज्ञ के आदि में भी पहले जब कांग्रेस गवर्नमेंट बनी थी तो उसकी निशानी क्या थी? है दो बैलों की जोड़ी उसकी निशानी थी। बाद में एक बैल मर गया होगा। जो सच्चे दिल वाला होगा उसी के ऊपर जो साहब है, सबका साहब एक है, कौन है? शिव बाबा। वो राजी हो जाता है, राजी हो जाता है तो उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। कोटों में कोई एक है अपना सच्चा पोता मेल देने वाला, तो सच्चा दिल है या झूठा दिल है? बाकी कुछ न कुछ अपना पोता मेल छुपाए लेते, तो सच्चे नहीं है। तो सच्चा साहब उनके ऊपर राजी नहीं होता। हाँ, रामायण में राम को ये पता होती है मेरी भी असली सीता अग्नि में बेच सकती है, मैं और उसकी सीता को रावण अपन कर लेगा। सॉरी करके हो यार। तो पता होती है मेरी भी असली सीता अग्नि बेच सकती है। तो उसकी छुट्टी कैसे होती है? क्या पूछ रहे हैं? इसीलिए दिखावा करने के लिए, दिखावा करने के लिए झूठी सीता रख दी। बाबा प्रश्न ये था वो कि पांडव पास दिखाए गए हैं, कहानी वो एक ही बता दी है, कहानी एक ही है। नहीं नहीं, पांच पांडव सब धर्मों में से जो भारतीय धर्म है उनके मुखिया लोगों की कहानी है, और रामायण की कहानी जो चार मुख्य धर्म है उन चार मुख्य धर्मों में से जो पहला मुख्य धर्म है देवी देवता सनातन धर्म उसके मुखिया की कहानी है। उसका मुखिया है राम, राम का आयन, राम का घर, राम की जो रामायण है उस रामायण में राम का सारा जीवन चरित्र दिखाया है। और दो प्रकार के धर्म हैं, राइटियस और लेफ्टिस्ट। झाड़ के चित्र में जो बाप है वो किस तरफ बैठा हुआ है? है विधर्मियों की तरफ बैठा हुआ है, विदेशियों की तरफ बैठा हुआ है कि स्वदेशियों की तरफ बैठा हुआ है? विदेशियों की तरफ बैठा हुआ है। बाप का काम होता है बाहर संभालना और अम्मा का काम होता है घर संभालना।
तो जो भारतीय धर्म है वो घर के धर्म है, पवित्रता को पालन करने वाले, ब्रह्मचर्य को बढ़ावा देने वाले, और जो विदेशी धर्म है वो बाहर के धर्म है। तो बाप किनको कंट्रोल करता है? विदेशियों को कंट्रोल करता है। बाबा को हर जगह ज्ञान ज्ञान का सागर दिखता है, ज्ञान का सागर, लेकिन महासागर क्यों नहीं? महा जब कहा जाता है तो दूसरों से टैली किया जाता है क्या? तो सात महासागर हैं, वो सब बड़े बड़े हैं, उनमें लाल सागर नहीं नाम दिया है, भूमध्य सागर नाम नहीं दिया है, हैदराबाद का हुसैन सागर नाम नहीं दिया है, वो सब छोटे छोटे हैं। और बड़े बड़े कौन हैं? कहते महारथी, ऐसे ही महासागर। तो महारथी एक होता है या कई एक होते हैं? हैं? महारथी एक ही होता है? महारथी तो 18 थे महाभारत में। ऐसे ही सागर सात हैं जिनको महासागर कहा जाता है, हिंद वो भी महासागर है। ज्ञानी लोग होते हुए यज्ञ क्यों करते हैं? हाँ, ज्ञान माने समझ, जानकारी। तो कैसे जानकारी मिले? किसने सब कुछ अपना स्वाहा कर दिया ईश्वर के लिए? जिसने सब कुछ अपना स्वाहा कर दिया वही यज्ञ का रक्षक माना जाता है, उसको शास्त्रों में नाम दिया है दक्ष प्रजापति। दक्ष माने ट्रेंड, दीक्षित। वो पहचान दिलाता है कि कौन कौन नंबर वार हैं जिन्होंने अपना तन पूरा स्वाहा किया, अपना सारा कमाया हुआ जिंदगी का धन स्वाहा किया, समय स्वाहा किया, संपर्क स्वाहा किया, संबंधियों की सारी ताकत स्वाहा की, अपना मन सारा उसी में लगाया, मन के सारे संकल्प स्वाहा किए, ईश्वर के लिए लगाए, ईश्वरीय कार्य के लिए लगाए, उसको फिर यज्ञ कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर की निशानी पतंगा आता है रात में, दिवाली के दिन ढेर पतंगे आते हैं, रात में आते हैं और सवेरे को मर जाते हैं, तो कुछ टाइम रहे ना, उसमें आधा समय उनका सुख का है, आधा समय दुख का है। और क्या होली के बाद? सात दिन बाद
होली के बाद, एक हफ्ते के बाद, होली के एक सप्ताह के बाद, सोमवार आता है ना, तो उस सोमवार को चावल की निशानी क्या है? आत्मा। और कौन सी माला है आत्माओं की? रुद्रमाला। तो रुद्रमाला के जो चावल के रूप में आत्माएं हैं, वो आत्माएं विकारों की होली खेलती है संगम युग में। विकारों की होली जब पूरी हो जाती है तो 7 दिन का कोर्स करना पड़ता है। फिर वो चावल धुल जाते हैं। पूजा भी करते हैं बाबा। हैं? पूजा करके खाते हैं। जो भट्टी करने से पहले आत्मा जो थी वो विकारी थी ना, फिर उसको पकाया गया, गर्भ जेल हो गई, जैसे गर्भ में पड़ गए। फिर पकने के बाद 7 दिन के बाद जब बाहर निकली तो फिर ज्ञान चलता है बुद्धि में कि नहीं चलता है? भट्टी में आने के बाद ज्ञान बुद्धि में टपकता है कि नहीं? तो वो ज्ञान जल से आत्मा धुल जाती है। बासी क्यों खाते हैं? वो बासी हो गई ना, बासी को ताजी बना लिया। वो पहले भट्टी करने से पहले जो आत्मा थी वो बासी ही थी, देखने में तो बासी आई। हाँ, पुराने कल्प की आत्मा हो गई ना। फिर बाद में जब भट्टी में आए तो उसको धोया, धो के फिर खाया। वो 7 दिन की भट्टी है बाबा। जेठ के महीने में माता रानी को कौन क्यों है? जेठ के महीने में माता रानी को क्यों नीलावा है? जेठ के महीने में माता रानी को नीलावा ना, पानी ले जा ले जाकर। कोई माता होती है कहीं भी, माता को स्थापन कर देते हैं, उसको नहलाते हैं, पानी डालते हैं, वो जेठ के महीने में ज्यादा। जेठ के महीने में करते हैं। जेठ माने क्या होता है? बड़ा। तो बड़ा कौन है? माता बड़ी है या पिता बड़ा है? तो जेठ का महीना बड़ा है। जेठ के महीने में जरूर जेठे ने जन्म लिया होगा। अरे बाबा, रात में ना, जेठ के महीने में 3 तारे निकलते हैं ना, यही बोलते हैं इसको। हाँ। वो जेठ के महीने में नहीं निकलते। हाँ, जेठ के महीने में नहीं निकलते। हाँ, जो जेठ है, जेठ माने बड़ा, जेठ माने बड़ा, जो बड़ा है वो जेठ का महीना है। जेठ के महीने में बड़ा जन्म लेता होगा। कौन जन्म लेता है? बड़ा। बड़ा कौन है? है राम वाली आत्मा बड़ा है। तो बड़ा ने जन्म कब लिया? जेठ के महीने में। तो जेठ के महीने में उसकी पूजा हो या बाद में आने वाली की पूजा हो? जेठ जेठ की पूजा होगी। ब्रह्मा बाबा की पूजा नहीं होती क्योंकि दाढ़ी मूंछ वाला है, तो शंकर को उसकी दाढ़ी मूंछ है तो क्यों पूजा होती है? यही तो कमाल है। मर जाए मगर जिंदा बना रहे। ये अंदर की बात है क्या? बाहर से दाढ़ी मूंछ दिखाई पड़े लेकिन अंदर से, हाँ, अंदर से क्लीन शेव। हाँ,
शंकर जो बाजा बजाता है ना दाएं हाथ में लेकर के, वो दो तरफ बजता है क्या? जो अच्छे लोग हैं उनको अच्छी बात लगती है और जो बुरे लोग हैं उनको बुरी बात लगती है। जैसे ब्राह्मणों में दो प्रकार के ब्राह्मण हैं, एक ब्राह्मण रुद्रमाला के एडवांस वाले हैं, उनको बात अच्छी लगती है कि बुरी? अच्छी लगती है, हर बात अच्छी लगती है। और जो बेसिक में है उनको हर बात बुरी लगती है। तो डमरू हुआ ना। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।